हाय ऑल। सो आज का हमारा जो सेशन है, इट इज ऑल, ये जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है ना, इसके ऊपर हम छोटा सा एक वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है? एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस इज लाइक वेन डायग्राम एंड ऑल द पॉसिबल, ऑल द करेक्ट कंक्लूजन्स विच आर पॉसिबल। ठीक है? सारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी कंक्लूजन्स इससे करेक्ट आ सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है? सो होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो देखा नहीं है तो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस। ऑल राइट? हाँ, एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। या तो लास्ट टाइम वी हैड सीन कि सम जो होता है, सम जो हमारा कीवर्ड है, उसके उसकी वेन डायग्राम हमने कैसे निकाली, एंड व्हाट वी हैड सीन इज ऑल द डिफरेंट पॉसिबल कंक्लूजन्स। ठीक है? तो सेम हम आज ऑल के बारे में देखते हैं। ठीक है? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जैसे वेन डायग्राम कैसे निकालते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल कंक्लूजन्स। तो अगर बोल दिया कि ऑल ए आर जेड, ठीक है, ऐसे अगर बोल दिया तो कैसे निकालेंगे हम? सी, देर आर डिफरेंट वेज टू ड्रॉ वेन डायग्राम। ऐसे कोई नहीं कि यही मेथड आप यूज कर सकते हो, बट दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल वे। ठीक है? ये एक अच्छे और सिंपल वे है। ठीक है? तो यू कैन यूज दिस। ऑल राइट। सो अगर मैंने स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर जेड, तो हम कैसे करेंगे इसको? जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक ए। ठीक है? ये ए है हमारा, तो सारे ए जो है वो क्या है? जेड है। तो दिस इज दी वेन डायग्राम। ठीक है? ऑल ए आर जेड मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी है, ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन, इट्स ऑल अबाउट ए। ठीक है? हाँ। तो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल एंड लेट्स सी कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल कंक्लूजन्स, कौन से अलग और करेक्ट कंक्लूजन्स हो सकते हैं ऑल के बारे में। ठीक है? हाँ। सो दिस वाज जस्ट अ वेन डायग्राम। ठीक है? तो ऑल कंक्लूजन्स कि जो ए के बारे में पूछेंगे, ठीक है, तो ये जो पार्ट रहेगा ना हमारा, इसके रिलेटेड जो भी कंक्लूजन्स आएंगे, दोज कंक्लूजन्स विल बी ट्रू, है ना, जो डेफिनेट रहेंगे। एंड इफ दे आस्क एनी थिंग, इफ दे गिव एनी कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस पार्ट, ठीक है, तो ये कब करेक्ट होगी, या फिर ये लॉजिकली फॉलोज हम का इस कब बोलेंगे? ओनली व्हेन इट इज, व्हेन वी अप्लाई दी पॉसिबिलिटी। ठीक है? समझ में आ रहा है? या सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उसका आपके आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लाइक यू विल अंडरस्टैंड। तो मैंने बोल दिया कि ऑल बुक्स आर बैग्स। ठीक है? ये अगर मैंने बोल दिया तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल कंक्लूजन्स, अलग अलग टाइप्स के कंक्लूजन्स कौन से पॉसिबल है इसमें। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम तो कैसे आएगी इसकी? जैसे ऑल बुक्स आर बैग्स, ये बुक्स है बी ओ और ये बैग्स है। ठीक है? तो व्हाट इज फर्स्ट कंक्लूजन? जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर इन्होंने बोला है कि ऑल बुक्स आर बैग्स, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल, लेट्स कंसीडर सम बुक्स आर बैग्स। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। अगर बोला है कि ऑल बुक्स आर बैग्स, तो नो डाउट सम बुक्स तो होगी ही होगी। ठीक है? नाउ उसको अपोजिट कर देते हैं हम। जैसे हमने क्या किया था, पहले सम बुक्स बोला था, तो नाउ विल से सम बैग्स आर बुक्स। इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि हमने इनिशियली उन्होंने बोला कि सारे जो बुक्स है वो क्या है? बैग्स है। तो
तो नो डाउट सम बुक्स तो बैग्स रहेंगे ही रहेंगे, एंड ऑब्वियसली कुछ जो बैग है वो बुक्स रहेगी, ठीक है। तो दीज आर द टू पॉसिबल कंक्लूजन की जो करेक्ट होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक थर्ड कंक्लूजन। अगर मैंने बोला सम बैग्स आर नॉट बुक्स, ठीक है, अगर मैं यहां इतना बोलने के बाद मैं रुक गया तो ये कंक्लूजन क्या रहेगा अपना, ये कंक्लूजन रॉन्ग रहेगा, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है, सम बैग्स आर नॉट बुक्स। देखो जो भी इंफॉर्मेशन दी है, वॉट एवर स्टेटमेंट इज टॉकिंग, क्या बोला है स्टेटमेंट में, सारे बुक्स, बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, दे आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट बैग्स। और ये स्टेटमेंट जो है हमारा, ये जो कंक्लूजन है, ये क्या बोल रहा है कि सम बैग्स आर नॉट बुक्स। हमने बोला है कि ऑल बुक्स आर बैग्स, बट नाउ इन दिस कंक्लूजन दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, और ये पार्ट के बारे में कोई भी कंक्लूजन कब करेक्ट होगा, व्हेन इट इज इन द पॉसिबिलिटी, व्हेन वी अप्लाई अ पॉसिबिलिटी टू इट, ठीक है। तो अगर मैंने बोल दिया सम बैग्स आर नॉट बुक्स तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट इफ वी एड सम बैग्स आर बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो इन दैट केस ये कंक्लूजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल राइट, फोर्थ कंक्लूजन। अब हम लेते ऑल बैग्स आर बुक्स, इतना मैंने बोल दिया और मैं क्या गया, रुक गया मैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हमें पता है कि ऑल बुक्स जो है वो बैग्स है, बट ऑल बैग्स आर बुक्स, और ये डेफिनेट कंक्लूजन है, ऐसे हम नहीं बोल सकते। सेम यहां पे भी किस ये जो कंक्लूजन है किस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ये पार्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये पार्ट में whenever there is a possibility, only in that situation the conclusion will be correct. अगर conclusion में possibility नहीं है, अगर इतना ही conclusion दिया है, तो then it is a wrong conclusion. So all bags are books, ठीक है, हम कब बोल सकते, is a possibility, अगर ऐसे बोल दिया then it is correct conclusion, ठीक है। All bags आर बुक्स, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, ऑफकोर्स हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। बट यहां पे अगर हम रुक जाते हैं ऑल बैग्स आर बुक्स, देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट जो है, सी यूजुअली इसकी वेन डायग्राम क्या होती है, ये हमारी वेन डायग्राम है ना। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, सम बैग्स आर नॉट बुक्स, कुछ जो बैग्स है ये बुक्स नहीं है, ठीक है। आई नो वी नो दैट लाइक कुछ ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंक्लूजन कुछ बैग्स है, बट बाकी के जो बचे हुए उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। तो दैट विल बी करेक्ट ओनली इन द पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्रीवियस वीडियो देखो कि क्या क्या मैंने बोला है, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड स्पेशली आपको समझ में आया हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस, कैच यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑलराइट। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।